दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। रिपोर्टर्स के मुताबिक उनकी मां प्रेग्नेंट है, उन्होंने आईवीएफ तकनीक अपनाकर इस बच्चे को कंसीव किया है। ऐसे में अब कई महिलाओं के मन में आईवीएफ को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे आईवीएफ की मदद से किस उम्र तक मां बना जा सकता है, पूरा प्रोसेस क्या है, क्या डायबिटीज से जूझ रही महिलाएं आईवीएफ की मदद से मां बन सकती है। इस सवाल का जवाब झारखंड की राजधानी रांची के अंकुरण आईवीएफ की डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट रूही श्रीवास्तव ने दिया है। उन्होंने लोकल 18 को बताया कि सरकार ने आईवीएफ के लिए एज लिमिट तय कर रखा है। महिलाओं के लिए जहां 50 साल तो पुरुषों के लिए 55 साल है। ऐसे में जो महिलाएं 50 साल की उम्र की है वह कंसीव कर सकती है, हालांकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। डॉक्टर रूही श्रीवास्तव बताती है कि जो महिलाएं 50 साल तक पहुंच जाती हैं, उनमें कई तरह की बीमारियां भी देखी जाती है। उन्हें या तो शुगर होता है या लो बीपी, हाई बीपी, थायराइड, ओबेसिटी, मोनोपोज या कोई अन्य बीमारी रहती है। कई महिलाओं में हार्ट की समस्या भी देखी गई है। ऐसे में आईवीएफ करना थोड़ा रिस्की तो होता है, लेकिन लगातार मॉनिटरिंग के जरिए अधिकतर मामले सफल होते हैं। डॉक्टर, जो महिलाएं 50 तक पहुंच चुकी है, आईवीएफ में उनके लिए क्या चांसेस है, क्या कहेंगे इस पर, जो बच्चे कंसीव करना चाहती? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज का लिमिटेशन किया है वो फीमेल के लिए 50 इयर्स है और मेल्स के लिए 55 इयर्स है। जहाँ तक आपका सवाल है कि अगर कोई महिला 50 इयर्स की एज की हो जाती है तो आईवीएफ में क्या चांसेस है, डेफिनेटली वैसी महिलाएं जो 50 साल से कम उम्र की हैं वो आईवीएफ तकनीक के द्वारा माँ बन सकती हैं। पर इसमें जो आपका दूसरा सवाल था, सक्सेस की क्या संभावना है, तो सक्सेस ओवरऑल डिपेंड करता है वैरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, महिला टू महिला। उम्र होने से चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, किसी को शुगर की परेशानी होती है, बीपी की परेशानी होती है, इन सबको मद्देनज़र कर में रखते हुए हमें ट्रीटमेंट डिसाइड करना होता है। हमें सारी फिटनेस लेनी होती है, कार्डियोलॉजी फिटनेस लेनी होती है वो महिलाओं को, क्योंकि प्रेगनेंसी जैसी ही आती है वैसे क्या होता है कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। अगर किसी महिला की हार्ट पहले से ही कमज़ोर है, कोई कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है, तो चांस तो प्रेगनेंसी आने पर कॉम्प्लिकेशन बढ़ने की उम्मीद होती है। लेकिन वैसी महिलाएं जिन्हें कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी मेडिकल कंडीशंस पहले से नहीं है, तो वैसी महिलाएं आराम से आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी कर सकती हैं। हमारे पास कई महिलाएं हैं जिनकी एज 48 है, 49 है और महावारी भी बंद हो चुकी है, वैसी स्थिति में भी हमने प्रेगनेंसी की है। मैम, ऐसा केसेस आपने अभी हॉस्पिटल में कुछ देखा है 50 में आई हो कोई महिला? हाँ, होते हैं। कई बार होता क्या है कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके पहले से ही बच्चे रहते हैं, दो बच्चे रहते हैं। हमारे पास कई पेशेंट्स हैं, किसी कारणवश एक बच्चे की डेथ हो जाती है, चाहे वो एक्सीडेंटल कॉज होता है, और बच्चे की इच्छा तो सबको रहती है। वैसी महिलाएं हमारे पास काफ़ी आती हैं जो 47-48 ईयर्स की हो जाती हैं। तो मैम, उनका सक्सेस हुआ है? एकदम हुआ है। वैसी महिलाएं सक्सेस भी हुई हैं और हमने पूरे 9 महीने उनको काफ़ी मॉनिटर किया है और उनको स्पेशल मतलब कहते हैं कि एंटीनेटल चेकअप्स में रखा है, फ्रीक्वेंट चेकअप्स किया है और अच्छे से डिलीवरी भी हुई है और सेफ डिलीवरी हुई है।